होता है जिन्हें मेहनत करनी पड़ती है कि थ्रो कहाँ मारू कहाँ मारू, लेकिन सही थ्रो में कहूंगा हड़बड़ा जाते हैं कभी कभी, लेकिन बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग। पहला विकेट शून्य के ऊपर वीसी शिवन ने 11 दिगोड़े टीम का। ऑन साइड में बड़ा शॉट है, फेस खोला है रायगढ़ के हार्दिक पांड्या ने और इस बार गेंद को फेंक दिया मिड विकेट सीमा रेखा पार, 6 रन। लेकिन उसके बाद धमाका दिया बार क्या कामले को यहां पर विश्वजीत ठाकुर ने और 6 रनों के साथ अपना खाता खोला और वीसी शिवन ने 11 दिगोड़े टीम की हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 6 रन राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार क्या ने लाइन बढ़िया है, ऑफ स्टंप यॉर्कर की कोशिश जरूर की थी एक्स्ट्रा कवर और शॉट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से इस शॉट को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का यहां पर बिल्कुल संपर्क हुआ नहीं। स्टैंड कितना बढ़िया इनका, देखिए पिछला जो सिक्स था ना वो बेहतरीन नजर आता हुआ स्लॉट में आई बल्ले के। इस बार शॉट अच्छा है, यही पहले ही तय कर लिया था जो इससे पहले गेंद फेंकी थी ऑफ स्टंप यॉर्कर और इस बार कोई चूक नहीं है, बॉल को फेंकते हुए से मारा का के बाहर 4 रन। शिवनेरीच्या क्षितिजावर उगवलेला सेजोमय सूर्य म्हणजे तुम्हाला सर्वांचे आराध्य दैवत राजे शिव छत्रपती यांचे सुमधुर संगीत डीजे मॅडी इनके डीजे के माध्यम से यहां पर सुनते हुए। तो बिल्कुल यहां पर चौका बटोरा, 10 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, बार क्या कामले फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर द विकेट से। इस बार भी करारा जवाब है दौड़ते हुए संजय, लेकिन उनके पास से दूर वाड़ा क्रैकिंग शॉट और 1-4 रन। रंग खेळतोय तुझ्या नावाने स्पर्धा भरवतोय, तू आहेस आमच्या लाडाचा देवांश, तुला आम्ही खूप मिस करतोय, तुला आम्ही खूप मिस करतोय। करतने हे संगीत तुम्ही ऐकला देवांश, चिंचपाडा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच शशिकांत बोईर साहब इनके सुपुत्र जिनके नाम की ये टूर्नामेंट हमेशा रखी जाती है उनकी यादों को ताजा करने के लिए और देवांश का ये सुमधुर संगीत आपने बिल्कुल यहां पर सुनते हुए। 4 रन बटोरे बैक टू बैक, 2 बाउंड्रीज ऑन हैट्रिक, चौकों के हैट्रिक पर होंगे विश्वजीत ठाकुर, 4 गेंदे 14 की पारी। अपने टीम के लिए खराब लेंथ है, खराब है, फुल टॉस बॉल को फेंक दिया बैकवर्ड स्क्वेयर लेके बाहर और इस ओवर की समाप्ति हुई छक्कों के साथ। विकेट जरूर मिला लेकिन बम के गोले बहुत देखने को मिले और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वीसी शिवन ने 11 एस एन स्पोर्ट दिगोड़े टीम का स्कोर है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 20 रन स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल आप देख सकते हैं जहां पर सिम्बॉल इस टूर्नामेंट का अप्पा केनी चिंचपाड़ा स्वर्गीय देवांश स्मृति चषक ये लोगो है मैदान के ऊपर, जिस तरीके को आपको इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये दृश्य फॉर्चून इवेंट्स इनके माध्यम से। चले एक बार और नजर डालेंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर, बार क्या कामले की पावर पे की ओवर की गेंद थी, ओवर द विकेट से आए लेग स्टंप मिस था, फुल टॉस थी बनी एक गेंद को और क्या बढ़िया बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से बेहतरीन छुए आए डीजे। थैंक यू डीजे, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप नन्हे परिंदों को देख सकते हैं, अपने पापा के साथ मैच का आनंद लेता हुआ टॉम क्रूज की हेयर स्टाइल जल्दी बना लिया, जल्दी सिखा लिया टॉम क्रूज की हेयर स्टाइल बनाने के लिए, इतना गुस्से से मत देख, हंस रहा है मन ही मन में। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे रन संख्या बनी है पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, टोटल 20 रन। क्या बढ़िया शुरुआत हुई है विश्वजीत ठाकुर के माध्यम से, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कांबोडी विलेज चैन की ओर से गेंदबाजी करेंगे कांबोडी कहेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर कहेंगे कि स्वर्गीय दीबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी ओर से गेंदबाजी करेंगे। यहां पर गेंदबाज निखिल गोवारी अच्छे कटर गेंदबाज है, 30 बॉल भी डालना आदत है, कट बॉल डालना भी आदत है। पहली गेंद टैप करने की कोशिश, मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं है थे लेकिन थोड़े से दूर थे, वाइड स्लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी डीप अगर उठाए इस गेंद को तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का समय था। सोच बढ़िया है, हालांकि संदीप पंत 1-2 रनों की पेनल्टी लेकर यहां पर खेल रही है वीसी शिवन्या 11 एस एन स्पोर्ट दिगोड़ी टीम
और हालांकि बात करेंगे उस पेनल्टी की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से रन अभी तक अच्छे बने हैं, विकेट हालांकि जल्दी लौटा है लेकिन शुरुआत कितनी बेहतरीन। नेक्स्ट मैच हम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे, ज्यादा समय ना व्यतीत करें। वाकलन सार्थक इलेवन वाकलन टीम के कप्तान और स्वराज इलेवन फुंडे टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं टॉस के लिए तुरंत यहां पर संपर्क करें। अच्छी गेंदबाजी है यहां पर विश्वजीत ठाकुर जैसे महानतम बल्लेबाज को रोकेंगे, मैं कहूंगा ये बड़ी बात बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए क्योंकि जो बल्लेबाज शायद ऐसा लग रहा था कि डगआउट से ही सेट होकर आए, कितनी बेहतरीन शुरुआत अपने टीम के लिए, लेकिन उसी बल्लेबाज को थोड़ा सा शांत रखने में अभी तक तो यहां पर निखिल गोवारी बने हैं। एक रन इस ओवर से अभी तक, रन संख्या टोटल 21, लॉस ऑफ वन विकेट। पांच ओवर का मैच सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी। हाफ ट्रैकर की बॉल नहीं छोड़ेंगे, इन गेंदों को कितनी आसानी से पुल करते हैं ना, ये होता है लंबे कद के खिलाड़ी का फायदा। और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। दो ओवर पावर प्ले फेंके गए थे जहां पर 46 रन बनाए थे, 43 रन बनाए थे। ये अच्छी गेंद है, लो फुल टॉस बना इस गेंद को, घुटने के बल पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के रीजन में। एक रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे की कोशिश करना चाहते विश्वजीत ठाकुर लेकिन मना कर दिया उनके साथी पार्टनर अलंकार पाटिल ने और यहां पर एक रन बटोरते हुए। तो कल की हम चर्चा कर रहे थे पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन अगर किस टीम के बने होंगे तो वो है सुनील स्पोर्ट्स इलेवन चिंसपाड़ा, जिन्होंने 43 रन बनाए दो ओवरों में। और बाला का गोला देखा और बाला ने भी मेरे ख्याल से एक ही पारी में 59 रन बनाए और क्या दमदार पारी खेलते हुए और सेकंड मैच में शून्य पर लौटे और एक ही कल अर्धशतक शायद देखने को मिला होगा वो भी है रोशन इनके माध्यम से। इस बार यॉर्कर का प्रयास पूरी तरीके से किया था लेकिन पूरी तरीके से बल्लेबाज बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। यहां पर मैच का आनंद लेते हुए करजत नहीं बल्कि रायगढ़ के दिग्गज पैकर तनिष्क इलेवन के पुरस्कर्ते यानी कि गणेश कदम साहब मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं सालवड़ गांव के। स्विच हिट करने की कोशिश, चलिए आपके बल्ले से अगर सही रन नहीं आ रहे ना तो सिंगल लेकर मोटा को गेम देना चाहिए, शायद वो कोशिश कर पाते तो वो ज्यादा गेंद खेले रन बनेंगे। अकेले मोटा के रन है टोटल मेरे ख्याल से अभी तक बात करेंगे 27 रन इनके ही है और एकमात्र रन बनी है बल्लेबाज अलंकार के माध्यम से। ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट, सेकंड पावर पे का खेल समाप्त होने के बाद 14.00 के औसत से एक विकेट के नुकसान के ऊपर 28 रन वीसी शिवन्या 11 एसएम स्पोर्ट दिगोडे टीम। क्या बात है, क्या बात है, तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्या मुले आहे आमचं खरं गं आयुष्य हे छान। आणि उद्या मात्र आईचा जल्लोष, आईची पालखी उद्या खऱ्या अर्थानं तुम्हाला आजच खऱ्या अर्थानं काही 2 दिवसापूर्वीच भाविक कार्यालयाच्या दिशेने निघालेत, त्यांना देखील शुभेच्छा देऊया आणि काही देखील लवकरच पोहोचलेत कारण आईची पालखी म्हटल्यानंतर आपला अगदी आगरी कोल्यांचा एक चांगला सण आणि आईची पालखी मात्र उद्या तुम्हाला एकविरायची। 2-3 वर्ष कोविड मध्ये खऱ्या अर्थानं आईचे दरवाजे मात्र दर्शनासाठी भाविकांसाठी बंद होते परंतु आता मात्र हे भाविकांसाठी खुले गेले गेलं, तर सर्व भाविकांना मनोभावना खऱ्या अर्थानं मनोभावनेने शुभेच्छा देऊया। तो चलते मुकाबले की तरफ, ओवर बने हैं खत्म हुए, 28 रन बने एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे चेतन गोवारी, ये भी बड़े हिटर है और यहां पर देखेंगे शुरुआत करेंगे बिल्कुल अपनी गेंदबाजी की। तो बिल्कुल ये परफेक्ट यॉर्कर थी, बिल्कुल ठिकाने पर गिरी थी। इस बार ऑन साइड में है बड़ा शॉट, लगभग विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ, ये तीसरा चौथा मैक्सिमम हिट, गेंद सीमा पार, 6 रन। कमाल की यहां पर शुरुआत होती है,
चलिए लोग रोक लीजिए इस बल्लेबाज को, अगर रोकेंगे नहीं ना तो ये ठोकेंगे। अगर इस तरीके की बल्लेबाजी ना बात, 33 रनों के ऊपर शानदार पारी, एक रन अलंकार के बल्ले से निकले और टोटल रन संख्या बनी है 34 रन। ये तो स्लो थी गेंद, अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देखी थी, अपील भी की गई थी हल्की सी एक तरफ विकेट कीपर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल में जो फील्डर है मेरे ख्याल से सोनू के, उनके माध्यम से थोड़ी सी हल्की सी अपील की गई थी, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाजी के मार्ग पर है चेतन, बेहतरीन गेंद अभी तक फेंक चुके लेकिन एक छक्का अब तक आ चुका। ये भी शॉर्ट गेंद थी, उसको भी पुल कर दिया और सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा यहां पर 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, ठोक कम ठोक मैदान के अंदर और ये 5वां छक्का विश्वजीत के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार मौका बन सकता था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, बाल बाल बचे, गेंद थोड़ी सी दूर रही फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी परेश मात्रे की तरफ से और यहां पर देखिए अच्छी बंधन मिलता हुआ। डॉट बॉल की समाप्ति, संयम है इस बल्लेबाज में, बड़े शॉट भी आ रहे हैं, 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली है, 11 बनाते हैं तो देवांश ट्रॉफी के बिल्कुल ये दूसरे खिलाड़ी बनेंगे अर्धशतक ठोकने वाले। ऑन साइड में खेला जरूर है, गैप में जा रही है गेंद, अब फील्ड फास्ट है और देखेंगे यहां पर बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, ये दिल मांगे मोर वेलकम फोर, और इसी वेलकम फोर के साथ समाप्त हुई तीसरी ओवर, रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 44, 44 रन। विश्वजीत ठाकुर खेल रहे, यहां पर बात करेंगे तो टोटल 43 रनों के ऊपर 43 रन पर। विश्वजीत ठाकुर ऑलराउंडर तो लई डेंजर, खेलतो आता रन सुंदर मारतो चौकर आणि षटकार। थैंक यू डीजे। चलिए ये जो है ना मेरे ख्याल से संजय भाई, ये थोड़ी सी तुम्हारे टीम को है ना दो सदमे है, एक तरफ तो रोशन नहीं ऑलराउंडर, लेफ्ट हैंडर बॉलर दैवत अच्छी गेंदबाजी कर लेते वो टीम में मौजूद नहीं है, ऐसा ऐसे समय में तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही होती है दो गेंदबाजों की, अब दूसरे गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारियां बनी है। ऐसा नहीं कि टीम के दो खिलाड़ी नहीं है इसका मतलब टीम आधी है, कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट ओनली डिपेंड वन एंड टू प्लेयर, क्रिकेट इज ऑल्सो 11 प्लेयर गेम, क्रिकेट हमेशा 11 खिलाड़ियों का खेल रहता है। देखेंगे दोनों टीमों में खिलाड़ी कम है तो अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहेगा वो बिल्कुल मुकाबले में जीत हासिल करेगा। मैच जैसे स्टार्ट हुआ बैडी 2000 से ज्यादा 2100 लोग यूट्यूब के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे हैं। अर्जुन आपके देवांश 11 टीम ने काफी बड़ी मेहनत ली है, तो नेक्स्ट मैच होगा तुरंत कॉल करें, सार्थक 11 वाकलन और उनके खिलाफ खेलेगी, स्वराज 11 फुंडे, मौका बन सकता था अगर पहले एक्शन में, चलिए मौका बनाए दूसरे एक्शन में गेंद को लपका और पूरी तरीके से स्टंपिंग की और यहां पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर लगातार, शायद सिंगल देकर विश्वजीत को स्ट्राइक देना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा उनके उलट आया ये काम और विकेट जाएगा मैदान से बाहर ये दूसरा। गेंद पर थ्रो करता तो वो रनआउट का शिकार बन सकता था, बाकी कोई खिलाड़ी भी वो थ्रो करता विकेट के ऊपर पास तो वो भी रनआउट का बन सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने एज अ स्टंपिंग ही दिखाई। सुनील पाटिल सर भी यही बता रहे, ऑफिशियल अंपायर इज अ क्वालिफाइड अंपायर, तो गेंदबाज के हित में विकेट जाएगा और ये विकेट मिलता हुआ पहला गेंदबाज निखिल गोबारी, शुरुआत बेहतरीन, नए बॉलर प्रीतेश मात्रे बैट्समैन आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, मिडल ऑर्डर की भूमिका अपने टीम के लिए दिखाते हुए, रन संख्या है 44 रन, मोटा 7 रन से दूर है अपने अर्धशतक से, ऑन साइड में खेला जरूर है, यहां पर फील्डर है मिड विकेट में संजय, जानते हैं कि यहां पर दूसरे रन लेंगे नहीं तो मोटिया सिंगल ही लेंगे और सिंगल के साथ हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 45। मेरे ख्याल से उमेश कल के रात्रि में हाईएस्ट टोटल स्कोर बना था 5 ओवरों में 71 था टारगेट और वो टारगेट बात करका सुनील स्पोर्ट्स ने चेस किया था अगेंस्ट सदगुरु सीमेंट सप्लाइज पारगांव टीम। शॉट अच्छा है, बेहतरीन, कमाल का संपर्क हुआ है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, नो चांस इन टू द फेंस, आउट ऑफ द पार्क 6। और
परदेशात जाऊन थैंक यू। देखिए कैसी बात है ना, कल के सुपर फोर में क्वालिफाई होने वाली टीम उसरली है और उनके सीरीज क्रीज में आगे जाकर खिलाड़ी होंगे मेरे ख्याल से 49 रन पे ऊपर नाबाद बल्लेबाजी खेल रहे हैं मोटिया, 50 का आंकड़ा भी पार होता हुआ और यहां पर एक ही मैच में वो रन बनाए विश्वजीत ठाकुर। क्या इस सीजन में चिंसपाड़ा के मैदान के ऊपर अपना अर्धशतक ठोक पाएंगे? जरूर ठोकेंगे। बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा है और गेंद सीमा पार और रायगढ़ के नहीं महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारतवर्ष टेनिस बॉल के हार्दिक पांड्या विश्वजीत ठाकुर अपना अर्धशतक कंप्लीट करते हुए बल्ला उठाकर दर्शकों की ताली में स्वीकारे विश्वजीत ठाकुर। व्हाट अ ग्रेट इनिंग। और इसी के साथ यहां पर अपना अर्धशतक 17 गेंदों में 311 का स्ट्राइक रेट, कौन रोकेगा 6 छक्के 4 चौके इस पारी में और यशराज 11 यहां पर जहानुमान कांबड़े टीम के सामने थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर पैदा होती हुई। व्हाट अ ग्रेट इनिंग, कमाल की इनिंग यहां पर साकारते हुए, शॉट कितना बेहतरीन था। वेट एंड वॉच, हाफ ट्रैकर की बॉल, पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढा है और बिल्कुल यहां पर गेंद को फेंक दिया सीधा 4 रनों के लिए। अंतिम इस ओवर की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। टीम की जनसंख्या है 55 रन, 2 रनों की पेनल्टी ली थी, जानते हैं कि टी शर्ट नहीं है उनके, उसकी वजह से थोड़ी सी पेनल्टी उनको दी गई है और यहां पर उस पेनल्टी को स्वीकारते हुए क्या विस्फोटक शुरुआत अपनी टीम के लिए देते हुए माउंटेन पारी है विश्वजीत ठाकुर का बल्ला इस बार माशाल्लाह क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर दिखाते हुए। और यही तो होता है जब आप अच्छा कमाल का परफॉर्मेंस देते तो बाकी खिलाड़ी भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये भी शॉट बढ़िया है, ये भी जाएगी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से साइड सिन सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा विश्वजीत ठाकुर के बल्ले से निकला हुआ ये छक्का नंबर 7वां। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे क्या दमदार बल्लेबाजी नजर आती हुई, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है ना संदीपन की घर से ही सेट होकर आए, क्या कमाल की पारी खेल रहे यहां पर विश्वजीत ठाकुर, एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते। रन संख्या है टोटल विश्वजीत आपके है 59 और टोटल कुल रन संख्या बनी है 61, 61 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 7 छक्के बहुत कुछ कर जाएंगे यशराज 11 जहानुमान कांबड़े टीम के लिए। 327.78 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी चल रही है और इस बल्लेबाज की अगर चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से कांबोडिया टीम के सामने दिक्कतें हैं और रन भी चाहिए मेरे ख्याल से संजय, कांबोडिया टीम ने भी कच्चे पापड़ नहीं चले, बार के अगर लय में होंगे तो ये रन आसानी के साथ बनेंगे, इनको भी एक प्लस पॉइंट होगा, अभिजीत नहीं है छोटा टीम में मौजूद नहीं है तो एक हाथ गेंदबाज इन्हें भी शायद मिलेगा बड़ा शॉट मारने के लिए। ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर शैलेश चव्हाण सर का इशारा आता हुआ इट्स अ वाइट बॉल कॉल और वाइट के साथ हालांकि बढ़ती हुई रन संख्या है टोटल बात करेंगे 62, 62 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और देखिए इस ओवर की बात करेंगे विकेट सिंगल 6-4-6 वाइट, एक गेंद बची है इस अंतिम गेंद के ऊपर क्या हर्ष होगा, यहां पर भी बड़ा शॉट खेलने का इरादा तो जरूर किया था लेकिन देखेंगे इशारा अंपायर का, ये 22 गेंद है यहां पर 22 रन है जी हाँ बिल्कुल बल्ले पर नहीं लगी थी शायद इसलिए इशारा 22 का आता हुआ। इसी सिंगल के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ 4th और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 63 रन 63 लॉस ऑफ 2 विकेट एसएन स्पोर्ट्स शिवन्या वीसी 11 दिगोड़े टीम पानी घेऊन जा मैदानात डीजे। रायगड जिल्ह्यात पनवेल तालुका, पनवेल तालुक्यात चिंचपाडा गाव, क्रिकेटचा हा रंगला थरार, काळ भैरव मैदानाचं नाव, शशिकांत दादा देतात नेहमी दे